छोड़कर कहाँ चले गए थे? साधना करने गया था पिताश्री, मैं ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ। अरे वाह वाह, क्या ज्ञान प्राप्त किया पुत्र? ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे वाह पिताश्री, मुझे एक धनुष चाहिए। तुम्हें धनुष का क्या काम पुत्र? धनुष पाकर मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी बन जाऊंगा। उसके पश्चात मैं कस्तूरी मृग लाऊंगा। तो मेरे कारण माता की मृत्यु नहीं होगी ना पिताश्री? तुम्हारी माता का जीवन बहुत लंबा है, ना तुम्हें कसूरी मृग लाने की आवश्यकता है और ना ही धनुष उठाने की। तुम्हें ज्ञात है पुत्र के धनुष क्या होता है? तो आज जोन और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वास्तविक धनुष क्या है बताऊंगा। पास के गांव में मथुरा से धनुष आया है दर्शन हेतु। वहां बहुत सारे धनुर्धारी कत्र होंगे और धनुर विद्या की प्रतियोगिता भी होगी। शोन, चलो ताऊ हमें धनुष दिखाने ले जा रहे हैं। प्रताश्री, एक सूत के पुत्र को धनुष के दर्शन करवाने से क्या लाभ? पानी भी क्या है, सूतों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है, ये बात आप जानते हैं। पर जिस चीज का अधिकार नहीं उसका आकर्षण जीवन में विष खोल देता है। किसी वस्तु का अधिकार छीन लेने से ही उस वस्तु का आकर्षण निर्मित हो जाता है। सुषेण, माता का प्रेम प्राप्त कर लिया होता तो कस्तूरी का विचार भी नहीं करता। वो प्रेम नहीं दिला सकते तो संतोष तो पा लेने दो। एक बार कर्ण धनुष देख ले, उसे संतोष हो जाएगा। वैसे भी समाज को समझने के लिए भी समय है उसके पास। किंतु विचार कीजिए प्रदर्शनी, यदि कर्ण में उत्तम धनुधारी बनने की शक्ति हुई तो सिद्ध हो जाएगा कि ऊंच नीच के भेद मिथ्या है। और जो मिथ्या है उसका मान क्यों? यदि कर्ण ने धनुष उठा लिया तो क्या होगा? क्या क्षत्रिय उसे क्षमा करेंगे? बालकों की कोई जात नहीं होती सुषेण, सूत के पुत्र को भी सुख पाने का अधिकार है। यदि कर्ण को वह धनुष देकर सुख मिलता है तो उसे वो सुख मैं अवश्य दिलाऊंगा। कर्ण सोन, शीघ्र करो पुत्र, शीघ्र करो। आज हम धनुष दर्शन के साथ उन क्षत्रियों को एक दिव्य रत्न भी दे जाएंगे। वही तो है धनुष। जाओ स्पर्श कर लो धनुष। जीवन में प्रथम और अंतिम बार सज्जनों, गद्दाओं,
करके आए हैं, किंतु लक्ष्य भेद करने वाला एक भी क्षत्रिय हमें नहीं मिला। क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी जो व्यक्ति उस लक्ष्य का भेदन करेगा? उसे धनुष फेंक दिया जाएगा। मथुरा से आया अपराजित नाम का ये धनुष। मुझे मेरा धनुष मिल गया। अब ये प्रतियोगिता तो मुझे ही जीती पड़ेगी। इतना बड़ा धनुष आप तो इसे उठा भी नहीं सकोगे।